हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास है और ये वीडियो रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होगी इस टाइम मुझे लगा। ये है डीएनए एक्टिवेशन के साइन जी, क्योंकि जब 10-10 पोर्टल आता है तो यहाँ से आप एक्शन मोड में चले जाते हैं, या आपके लिए ये एक्शन की एनर्जी लेकर आता है। और आपको पता है 10-10, 11-11 और 12-12, ये तीनों पोर्टल हमारे डीएनए के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो मुझे लगा कि 10-10 पोर्टल का वीडियो मैं पहले उससे पहले मैं डीएनए का वीडियो डाल दूँ, ताकि आपको 10-10 पोर्टल के बाद में जो भी साइन सिम्टम हो या आपको पता चले कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। देखो, इस महीने में हमारे पास 10-10 पोर्टल है, उसके बाद सूर्य ग्रहण है, उसके बाद चंद्र ग्रहण है, उसके बाद न्यू मून है, उसके बाद फुल मून है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एनर्जी हाई होंगी, बहुत सारी एनर्जी लो भी होंगी। एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा इस महीने में होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स मतलब हमारी ऐसे परीक्षा ले रहे हैं कि हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं है, या हमें वो सांस नहीं लेने दे रहे। बहुत जल्दी जल्दी कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हीलिंग भी हो रही है। ओके, तो ये जो टाइम है ये सबसे ज़्यादा डीएनए एक्टिवेशन का टाइम है, और यहाँ पे जब हमारे डीएनए एक्टिवेट होते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, राइट, क्योंकि समझ में नहीं आता। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब ये एक्टिवेशन का समय रहता है तो किस प्रकार के साइन या किस तरह की एनर्जी आप फील कर पाएंगी। ओके, तो इसमें मैं जितने साइन मुझे पता है वो मैं पूरे बताऊंगी, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ फील करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगी, ठीक है। और लगे तो मुझे इसका सेकंड पार्ट बनाना लगे तो मैं वो भी बनाऊंगी, अगर मुझे लगा कि भाई कुछ बाकी है तो उसका भी मैं बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। तो उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पेज को फॉलो कर देना, और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। ओके, तो चलो, सबसे पहला साइन ये है, ये सारे कॉमन है, ये मैंने फील करे, और इसमें एक बहुत अच्छा रेयर साइन है जो अभी अभी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला साइन है कि बॉडी पेन। ओके, इस टाइम आपको बहुत सारा बॉडी पेन होता है, जब आपका डीएनए एक्टिवेशन का समय होता है या डीएनए एक्टिवेट होते हैं तो उस टाइम आपको बहुत सारा बॉडी पेन और सर दर्द, ये मतलब कॉमन चीज़ें हैं, आपको आए दिन ये चलता रहेगा, ठीक है। अब डीएनए एक्टिवेशन ऐसा नहीं है कि एक दिन में होता है, ये जब आप इस धरती पे आते हैं, अगर आप चूजन वन है तब से आपके डीएनए में हलचल होने लगती है, लेकिन जब आप अपने सोल पार्ट से मिलते हैं तो तब ये ज़्यादा हील होने लगते हैं। लेकिन जब ये कोई पोर्टल आता है या ऐसे कुछ 10-10, 11-11 या 12-12 पोर्टल जब हीट होते हैं, जब आप हीलिंग करते तब इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल लोगों का डीएनए भी एक्टिवेट होता है, लेकिन उनका डीएनए एक्टिवेट होता है ख़राब हो जाता है, क्योंकि खान पान, सबसे ज़्यादा खान पान, रहना, आपका बोलना, आप क्या सोचते हैं, आपके थॉट, ये सारा डिपेंड करता है आपके डीएनए के ऊपर। ओके, जितना लो वाइब का खाएंगे, जितना लो वाइब की एनर्जी में सोचेंगे रहेंगे, तो उसी तरह के आपके डीएनए ख़राब हो जाते हैं, जंक हो जाते हैं। लेकिन जब हम हीलिंग करते हैं तो हमारा सात्विक आहार बन जाता है, हम पॉजिटिव अफर्मेशन सुनते हैं, लोगों के लिए पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे लिए पॉजिटिव सोचते हैं, हमारा पूरा पैटर्न बदल जाता है। इसीलिए हम चूजन वन होते हैं, और इसीलिए हमारे डीएनए जो है वो हील होने लगते हैं। अब हमारे टू स्टैंड डीएनए जो है वो एक्टिव होते हैं, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं या आप चूजन वन हैं, जब आप हीलिंग करते हैं, ठीक है, और आपके पैटर्न में, आपके व्यवहार में, आपके खान पान में, आपके रहने में, आपके बोलने में जब चेंज आता है, तब आपके जो डीएनए है उसमें भी चेंज आता है। और जब हम हीलिंग कंटिन्यू करते हैं तो आपके 12th स्टैंड डीएनए भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये सच है, ठीक है, ये सच है। ओके, तो चलो, सेकेंड चेंज, आप जहाँ जॉब करते हैं और आपके रिश्ते, आपके फ्रेंड सर्कल, इसमें आप चेंज आ जाएगा, आपका जॉब छूट जाएगा, आपका मन नहीं करेगा, आपकी एनर्जी वहाँ पे मैच नहीं करेगी, आपका काम में मन ही नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि वहाँ से आप हट जाएं, आपके रिश्तों में भी बहुत सारे चेंज आएंगे, फ्रेंड भी कम हो जाएंगे, या कोई नहीं रहेगा, या नए फ्रेंड बनेंगे। इतना ही नहीं तो आपके फैमिली में भी आपको बहुत ज़्यादा चेंज पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप अपनी सोल फैमिली से जुड़ते जाएंगे, मतलब जो लोग
जिनके साथ आपके वाइब्रेशन मैच होते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग आपको हेल्प करते हैं और आप उनको हेल्प करते हैं, ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन बनता जाएगा और आप उनसे कनेक्ट होते जाएंगे। आगे है कि आप लोगों को माफ़ करना सीख जाते हैं, आप लोगों को इजीली माफ़ कर देते हैं। फर्ग्यूनिस की एनर्जी में आप कंप्लीट आने लगते हैं, जो आपको पहले लगता था कि मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती या मेरे लिए बहुत कठिन है, अब ऐसा नहीं है। आप इजीली फर्ग्यू कर देते हैं, आप माफ़ कर देते हैं खुद को भी और लोगों को भी। जो आपको सर्व नहीं करता वहाँ से आप इजीली मूव ऑन करने लगते हैं और आपके लाइफ में स्टक एनर्जी नहीं रहती है। आप किसी भी स्टक एनर्जी में स्टक नहीं रहते, आप हमेशा डिवाइन फ्लो में बहते रहते हैं। और जो टॉक्सिक लोग हैं आप उन्हें ईजिली पहचान जाते हैं, देखने से, बोलने से, सुनने से, और वहां से आप अपने कॉर्ड को कट करके ब्लॉक कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि आप अपने आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं। हमेशा एक डाउट मन में रहता है किसी भी तरह से, जब हम हीलिंग में चलते हैं या हीलिंग से पहले, कि मैं कर तो रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा कब होगा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। आप अपने आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं, आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करते हैं, और वो भी ब्लाइंड फेथ। आप नेचर पर भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, ये सोल लेवल से आने लगता है। उसके बाद आपके स्लीप पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, कंप्लीट चेंज हो जाएगा। या तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी या तो फिर आप बहुत ज़्यादा कम सोएंगे, लेकिन आप जितना भी सोएंगे उतने में आपकी नींद पूरी हो जाएगी और आप वो लेजीनेस वाली एनर्जी में कभी नहीं रहेंगे। ठीक है, आपका मॉर्निंग का इनर वर्क आप उठेंगे और करेंगे, अपने आप आपके अंदर ये एनर्जी आ जाएंगी। उसके बाद आपको बहुत इंटेंस ड्रीम आएंगे, आपको विज़न भी आएंगे। ये इंटेंस इतने होंगे, इसकी इंटेंसिटी इतनी होगी कि आप इसकी एनर्जी क्लियर फील कर पाएंगे। आप जागने के बाद भी आप उस एनर्जी को फील कर पाएंगे। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो अपनी ड्रीम अपने डायरी में ज़रूर लिखिए। उसमें बहुत सारे मैसेज आपको यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड की तरफ से, एंजल की तरफ से होते हैं। ठीक है, और अगर आप स्टार सीड है तो आपको आपके प्लैनेट की तरफ से भी बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। जब आपके डीएनए एक्टिवेशन का समय चलता है तो आप कई बार 3D से 5D और 5D से 3D में भी फील कर सकते हैं। ठीक है, कई बार आप लो, कई बार आप एकदम हाई, ऐसा भी हो सकता है। अभी आपके डीएनए एक्टिवेट हो रहे हैं और इसकी स्पीड बढ़ चुकी है, तो ये आपके साथ कई बार होगा। उसके बाद है कि जजमेंट जो एनर्जी होती है, लोगों को जज करना, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। जो आप हमेशा करते आते हैं, लोगों को जज करना, खुद को करना, दूसरों के मुकाबले कंपेयर करना और दूसरों को फट से जजमेंट पास कर देना, तो ये लोअर एनर्जी कंप्लीट ख़त्म हो जाती है। ओके, आपके अंदर कोई जजमेंटल इशू नहीं रहता, आप नहीं जज करते, आप किसी को किसी भी तरह से और अपने आप को भी जज नहीं करते। आप पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हर चीज़ को और अपने आप को भी। आप जैसे भी हैं और सामने वाला जैसे भी है, ना आप खुद को बदलने की कोशिश करेंगे ना उनको बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको बहुत अकेलापन फील हो सकता है। जब डीएनए एक्टिवेशन बहुत स्पीड में बढ़ जाता है तो आपको ये फीलिंग ज़्यादा आएंगी कि आपको लगेगा कि आप हर तरह से कट ऑफ हो चुके हैं, अकेलापन आपको बहुत ज़्यादा फील होगा। नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है, आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो जाता है, तो नेगेटिविटी का अटैक, नेगेटिव ड्रीम या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी होना, ये ना के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट है कि जब डीएनए एक्टिवेशन का समय होता है तो कुछ दिन आप अपने ही पैशन में कमी आपको फील होंगी कि मेरा पैशन जो है इनर वर्क का, वो ख़त्म हो चुका है, अब पहले जैसा नहीं होता। और आपको लगेगा कि दूसरों की जो क्रिएटिविटी है, दूसरों की जो हीलिंग है, वो बहुत अच्छे से हो रही है और पता नहीं मेरा कैसे चल रहा है, और आप खुद को ही लो एनर्जी में फील हो सकता है आपको। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी तुरंत हट जाएंगी और आपके माइंड में वही, जो आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, वही एनर्जी तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाएंगी। अगर आप लो एनर्जी में है सच में, तो ये एनर्जी कंटिन्यू फ्लो होगी। ठीक है, उसके बाद एक बहुत अजीब
है लेकिन सच भी है कि जब डीएनए एक्टिवेशन हमारा चलता है तो हमें बहुत डीप लेवल पर अपने घर जाने की फीलिंग आती है, जबकि हम हमारे घर पर होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, डीएम के साथ होते हैं, फिर भी लगता है कि नहीं, मुझे मेरे घर जाना है, अब टाइम आ चुका है कि मुझे जहाँ मेरी जगह है मुझे वहाँ जाना है। एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है और ये स्पेशली स्टारशिप ज़्यादा फील करते हैं। आपका हार्ट चक्रा कंप्लीट ओपन हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, हील हो जाता है और आप एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में फ्लो होते जाते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अनकंडीशनल लव आपका इतना बढ़ जाता है कि आपके थर्ड पार्टी के लिए भी आप वही एनर्जी फील करते हैं जो आप अपने डीएम के लिए या दूसरों के लिए फील करते हैं। वननेस जिसको बोलते हैं, यूनिवर्स ने जिसको भी बनाया है उस हर चीज़ के लिए वननेस की एनर्जी में आप आ जाते हैं। ओके, ये बहुत पावरफुल साइन है डीएनए एक्टिवेशन का। नेक्स्ट है कि आप एनर्जी को देखते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, रिसीव करते हैं, आपको चैनलिंग होती है, डाउनलोड्स आते हैं और आप कम्युनिकेट करते हैं। जब कोई साइन आपको अपने एंजल या यूनिवर्स स्पिरिट से मिलता है तो आप एनर्जी से क्लियर कम्युनिकेशन करने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइन ये है कि जब आपके डीएनए एक्टिवेट होने लगते हैं तो आप स्पिरिट रियलम से अदर हायर डायमेंशन में भी जा सकते हैं अपनी इच्छा से। आप एस्ट्रल ट्रैवल, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन अपनी इच्छा से करते हैं। आपके जो साइकिक एबिलिटीज़ है, साइकिक पावर्स है, आपके जो चैनल मैसेज है या जो भी डाउनलोड्स आपको मिलते हैं उसकी जो क्षमता है आप ये बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिलते हैं जब आपका डीएनए एक्टिवेट होने लगता है। एक तरह से आपका मल्टी डायमेंशन जो ग्रोथ है वो होने लगता है। ओके, नेक्स्ट है कि सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी बहुत सारे नंबर 11 11, 3 3 3, 555, 10 10, 12 12, 44, ऐसे बहुत सारे। और ये नंबर आपको पता है, अब ये नंबर तो हमें पहले से दिखते हैं लेकिन डीएनए के टाइम में भी दिखते हैं, मतलब ये एनर्जी फ्लो होती है। ठीक है, अब आपको दुनिया की परवाह नहीं रहती, आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने लिए खड़े होते हैं, आप अपने आप से ईमानदारी से रहते हैं। ठीक है, आप किसी भी प्रकार का कोई भी 3D मास्क नहीं लगाते। जो नकली मास्क हम हमेशा लगा के घूमते हैं ना कि दूसरों को खुश करने के लिए, वो सब कुछ आप हटा देते हैं और अपने, मतलब एक तरह से आप कंप्लीट अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाते हैं। ठीक है, फियर कंप्लीट आपका ख़त्म हो जाता है, आप अपनी पर्सनल पावर को रीगेन करते हैं। नेक्स्ट है कि आपके कानों में बहुत सारी आवाज़ें आ सकती है, जैसे लाइट लैंग्वेज होता है, जैसे आपको लगेगा कि कोई आपसे बात कर रहा है या किसी तरह का चैनल मैसेज आपको रिसीव कराया जा रहा है या दिया जा रहा है जो आपको रिसीव करना है। ठीक है, बॉडी में बहुत ज़्यादा ठंडी फील होना, कुछ टाइम के लिए ये नॉर्मल हो जाएगा, समय के साथ साथ ना चलना। आपको लगेगा कि समय और आप दोनों भी अलग अलग चल रहे हैं, या तो समय बहुत ज़्यादा तेज़ लगेगा या तो फिर आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हूँ या हो गया हूँ। अजीब सा समय और आपके बीच में एक इम्बैलेंस आपको फील होगा। ओके, उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रेविंग आपको रहेंगी खाने की। क्या खाने की? हाई वाइब्रेशनल फूड, सात्विक भोजन। आपका नॉनवेज तो वैसे भी कंप्लीट छूट जाता है थर्ड आई के बाद, लेकिन जब आपका डीएनए एक्टिवेट होने लगता है, 12 DNA की बात कर रही हूँ, तो तब आप कंप्लीट एक हाई वाइब्रेशनल फूड की तरफ चले जाते हो जिसमें बहुत सारी हरी सब्जियाँ और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फूड आते हैं। ठीक है, तो ये आपको खाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, कंप्लीट आपका डाइट चेंज हो जाएगा, आप बहुत अंदर से कनेक्टेड फील करेंगे, अपने आप से कंप्लीट फील करने लगेंगे। अब ये तो ये सारे साइन बताए हैं मैंने कि जो डीएनए एक्टिवेशन के समय हमारे साथ होते हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ है, ये एक साइन बहुत रेयर है और बहुत पावरफुल है। अब ये अभी अभी मेरे साथ हुआ है पिछले हफ्ते। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बैक और नेक में पेन, आपको ऐसा फील होगा कि आपको इथरिक विंग आ चुके हैं, मतलब कि जो दिखते नहीं है वो पंख, और ये पेन ऐसा होगा कि आपको बराबर पंख होते हैं ना वहीं पर होगा। जब इस विंग से आप ट्रैवल करेंगे पहली बार, जब पहली बार आप इससे ट्रैवल करेंगे तो इतना पेन होगा कि 3 दिन तक आप इस
पेन को झेलेंगे। मुझे इतना पेन हुआ था कि मैं 3 दिन, मुझे बुखार भी आ गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना पेन क्यों होता है, जबकि मैं वर्कआउट हमेशा करती हूँ और मुझे वर्कआउट से इतना पेन नहीं होता। लेकिन जब मुझे ये कन्फर्मेशन मिला तो मैं खुश हो गई। तो ये इतना पेन, 3 दिन शोल्डर बैक पेन बहुत ज़्यादा, और स्पेशली ये पेन होता है आपको रात को सोने के बाद। जैसे आप सो जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी पीठ के नीचे कुछ हेवी सा रखा है जिसको आपको निकालना है, और तब आपको नींद आएगी। ठीक है, अब ये जो शोल्डर पेन है और इसमें आपको स्पिरिचुअल फीवर भी आता है, जिसके लिए कोई दवा गोली नहीं लेनी पड़ती, वो अपने आप हील हो जाता है। बट मैजिक ये है कि आपकी एनर्जी इतनी सी भी लो नहीं होती, इतना पेन होने के बावजूद भी आपकी एनर्जी, आप दिन में काम करो, वर्कआउट करो, आप बहुत सारे काम करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, आपकी एनर्जी हाई मतलब बढ़ती ही जाएंगी। ये मैजिक होता है। और जो पेन होता है आपको सिर्फ लेटने के बाद, बेड पे जैसे लेटेंगे आपको पेन होगा, और ये पेन ख़त्म होने के बाद आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, आपके चेहरे पे इतना ग्लो आ जाएगा कि आपको दिखेगा कि एकदम क्रिस्टल चेहरा, कैसा होता है ना कोरियन लोगों का, उस तरह से आपका चेहरा दिखेगा। तो यही होता है हाई वाइब्रेशनल एनर्जी का कमाल, जो आपको थकने नहीं देता, आपकी एनर्जी लो नहीं होती रात भर नहीं दिन भर नहीं, लेकिन जब आप बेड पर लेटेंगे तो आपके शोल्डर बहुत ज़्यादा पेन होंगे, इतने पेन होंगे कि आपको ये रुला देगा। अब यहाँ पर एक बात नोट करना कि शोल्डर में पेन नेगेटिव अटैक वाला भी पेन होता है, हार्ट चक्र जब ब्लॉक होता है तब भी आपको शोल्डर पेन होता है, लेकिन उस टाइम आपकी एनर्जी दिन में भी लो रहेंगी, रात में भी लो रहेंगी, लेजीनेस रहेंगी, डिजीनेस रहेंगी, बहुत सारी लो एनर्जी रहेंगी। लेकिन जब ये एथरिक विंग आपको मिलते हैं डिवाइन की तरफ से, तब आपकी एनर्जी बहुत हाई, और बहुत हाई मतलब आपके चेहरे पर गोल्डन ग्लो आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मेरे साथ अभी अभी हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे आपको बताना था। और जब अब हमारा टेंटेन जाएगा तो उसके बाद ये एनर्जी बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होने वाली है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो घबराना नहीं, ये डीएनए एक्टिवेशन के साइन है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।